से सांस ले रही थी, तो मैंने सोचा कि नानी को बोलते हैं गाना गाने के लिए, तो मैंने आठ ही काट गाना उनका गाना है वो मैंने गाना शुरू किया। अंतिम समय में जो उनकी नतनी है इसको बिठा करके साथ में आठ ही काट के कोठरिया हो दीनानाथ, ये अभी एम्स हॉस्पिटल में वो उसको गा के सुना रही थी कि तुम सीख लो इसको। दोनों आदमी ने साथ में गाया, थोड़ी सांस टूट रही थी उनकी। उन्होंने आईसीयू में रहते हुए ही मुझे कहा कि इसको आप रिलीज कर दो ताकि मेरा अंतिम उपहार होगा सब। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा अब हम सभी के बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा गाए गीत हम सभी के जहन में आजीवन भर जीवित रहेंगे। छठ के दौरान भी देखा गया कि उनके गीत छठ घाटों पर प्रसारित हो रहे थे और लोग शारदा सिन्हा को याद कर भावुक हो रहे थे। हालांकि छठ महापर्व के तीसरे दिन उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और वे पंच तत्व में विलीन हो गई। परिवार वालों की आंखें अब तक नम हैं। इस बीच एक वीडियो शारदा सिन्हा का उनकी नतनी के साथ सामने आया है। इस वीडियो को सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया गया है और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि शारदा सिन्हा अपनी नतनी के साथ छठ का गीत गा रही हैं। बता दें कि ये वही पल था जब शारदा सिन्हा ने आखिरी बार छठ का गीत गाया। नानी शारदा सिन्हा और नतनी अनुषा का यह अंतिम यादगार पल था। आप भी उस वीडियो को देखिए। देख कर
बता दें कि इस वीडियो को शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान ने शेयर किया और इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा कि जब अनुषा को ये लगा कि नानी को इन हॉस्पिटल और दवाओं ने बहुत तंग कर दिया है, मेरी नानी तो बस गाना गाती है और झट से उठ जाती है, उसने नानी को बोला कि नानी मेरे लिए एक बार गाओगी नहीं। नानी ने टूटती हुई सांसों से बोला कि हाँ बेटा मैं गाऊंगी, लेकिन तुम साथ में गाओगी तभी गाऊंगी। यह भी बताया गया कि ऑक्सीजन लेवल उस समय 3 लीटर पर था, मुझे यानी कि अंशुमन को यह याद था। ये उस दिन की बात है जिसके अगले दिन माँ दोबारा और आखिरी बार आईसीयू के लिए निकल गई थी। उस समय मैं माँ के अंतिम गीत दुखवा मिटाई पर अंतिम चरण का काम कर रहा था। आगे अंशुमन ने यह भी लिखा कि नानी नतनी के बीच इस गीत की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो त्वरित उठकर उन्हें रिकॉर्ड करने लग गया था। बहरहाल यह शारदा सिन्हा के अंतिम वीडियो में से एक वीडियो है। मैंने सोचा मैं अकेले क्यों इस संवेदना को जीऊं, इसलिए आप सब तक साझा कर दे रहा हूं। शुद्ध साधना के प्रतिफल है जब एक माँ अपनी गिरी से गिरी स्थिति में भी कुछ देकर जाने की चाहत रखती है, अपनी जिजीविषा को स्थानांतरित कर अपनी अगली पीढ़ी को सौंप रही है। लंग्स पर सघन आक्रमण है, सांसें नहीं चल पा रही तो क्या, अपनी इच्छा शक्ति के बदौलत वो सुर चेतना और सांस्कृतिक चेतना की जागृति का आवाहन कर रही है। उनकी आंखें शून्य को देख रही हैं पर कंठ छठ के स्वरोच्चारण कर रहे हैं। तो इस तरह से शारदा सिन्हा का ये इमोशनल वीडियो बेटे अंशुमान के द्वारा साझा किया गया। बता दें कि शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को जब पटना अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था, तभी हमारे संवाददाता रोहित ने शारदा सिन्हा की नतनी अनुषा से बातचीत की थी और अंतिम समय में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई उसे लेकर सवाल किया था, जिस पर अनुषा ने भी यही बात कही। तो क्या कुछ अनुषा ने बताया था आप एक बार फिर से सुन लीजिए। अनुष्का है हमारे साथ। अनुष्का, क्या बात हुआ था नानी से, काफी दुखदाई पल है, क्या कहेंगे? नानी मेरी क्या बोली थी वेंटिलेटर पे जब थी नानी, आपसे बात हुई तो? नानी जोर जोर से सांस ले रही थी तो मैंने सोचा कि नानी को बोलते हैं गाना गाने के लिए, तो मैंने आठ ही का आठ गाना उनका गाना है वो मैंने गाना शुरू किया। मैंने उनको बोला गाने के लिए साथ में, तो उनने थोड़ा थोड़ा आवाज़ रुक रुक के उनने भी साथ में गाना शुरू किया, गाती रही थोड़ा थोड़ा उनने कोशिश किया, वही मेरा उनके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इनके अंदर जिजीविषा है थी इनके अंदर, वो बहुत कमाल की थी। अपनी कला के प्रति बहुत ज़्यादा इनको प्रतिबद्ध थी, चाहे ऑक्सीजन लगा हो, वेंटिलेटर पे आदमी बोल नहीं सकता है ना कुछ कर सकता है, लेकिन जब ऑक्सीजन लगा था तब तक इन्होंने अपने गले से रियाज करना या स्वर निकालना नहीं छोड़ा। छठ के धुन भी गुनगुना रही थी हॉस्पिटल में अंतिम समय में, जो उनकी नतनी है इसको बिठा करके साथ में आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, ये अभी एम्स हॉस्पिटल में वो उसको गा के सुना रही थी कि तुम सीख लो इसको। क्या नाम है? अनुषा। अनुषा बहुत अटैचमेंट था दोनों का, तो उसको सिखाती थी कि ये गाना गा लो, दोनों आदमी ने साथ में गाया, थोड़ी सांस टूट रही थी उनकी, तो ये था। और फिर ये भी एक अजीब बात है कि जो इन्होंने गाना रिकॉर्ड किया था छठ का, वो उन्होंने आईसीयू में रहते हुए ही मुझे कहा कि इसको आप रिलीज़ कर दो ताकि मेरा अंतिम उपहार होगा सबको। इनको आभास था कि अब शरीर त्यागने का समय आ रहा है, ऐसा लगता है। चलिए सीधे तौर पे
अंशुमन जी थे जो कहीं ना कहीं वो भावुक पल को बता रहे थे, उनके तमाम जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे हैं, उनकी नतनी हैं, उनसे बात करवाएंगे कि आखिर नानी जी से क्या आखिरी बात हुई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो अंतिम समय में नानी नतनी के बीच एक भावुक सा पल बीता। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूलें।